तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजवंशी और ऑप्शन बाजार यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यहां पे हम लोग जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जीरो ब्रोकर के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें कई लोग यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और रिटेल ट्रेडर से काफ़ी अच्छा खासा फंड ऐंठ रहे हैं और उनको ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं मैं बताता हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखो, अपना जो एम एस स्टॉक के बारे में पहले बता देता हूँ। जो एम एस स्टॉक है इस पर जीरो ब्रोकरेज है। यूट्यूब पे सभी लोग यही बोलेंगे कि एम एस स्टॉक में अकाउंट खुलाओ, जीरो ब्रोकरेज। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में टोटल चार्जेस जो लगता है 2500 रुपये लग जाता है, ठीक है। एक 999 रुपये हम लोग जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए पे करते हैं। उसके बाद AMC 999 रुपये पे करते हैं। इसके ऊपर 18% GST लग जाता है, फिर इंटरनेट हैंडलिंग फी लग जाता है। सभी चार्ज को हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो 2400 रुपये कुछ हो जाता है, 2425-50 समथिंग ऐसे होता है। हमने इसमें अकाउंट ओपन करवाया है, ट्रेड भी किया है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद शून्य में सब कुछ जीरो है, कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग जीरो, एवरीथिंग जीरो। इसमें भी हमने अकाउंट ओपन करवाया है, इसमें भी हमने ट्रेड किया है। कोटक का जो जीरो ब्रोकरेज वाला है उसमें भी हमने ट्रेड किया, जीरो था। मतलब तीन ब्रोकर अभी जीरो है, एक शून्य अपना, एक एमएस स्टॉक और एक अपना कोटक कहा जाता है। बट मेनली यहाँ पे हम लोग दो को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एम एस स्टॉक में भी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है और शून्य में भी लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज है। जो कोटक वाले में लिमिटेड पीरियड के लिए, तो उसका बात नहीं करेंगे। उसमें थोड़ा प्लेटफॉर्म का भी इशू चल रहा है, ठीक है। हमने यूज किया है, सभी को प्लेटफॉर्म यूज किया है, एम एस स्टॉक को भी यूज किया है, शून्य को भी, कोटक को भी, और बाकी जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, ठीक है। मार्केट में 5 पैसा, बहुत सारे ब्रोकर हमने ट्राई किया। मेरे पास लगभग 25+ ब्रोकर का यहाँ पे डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करते हैं शून्य आपके लिए बेटर कैसे है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है केवल एम एस स्टॉक एडवांटेज मतलब प्रचार करेंगे, ठीक है। उनको मतलब जैसे अभी यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको सुनने का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा छोटे लोग ही वीडियो बना रहे हैं, हम आप जैसे लोग। और जो बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा सब्सक्राइब है, बेस है उनका, वो लोग केवल एम एस स्टॉक का जाने डालेंगे क्योंकि एम एस स्टॉक में 2500 रुपये जब अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है तो उसमें से उनका भी काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे निकल के जाता है, ठीक है। और शून्य का कोई नहीं डालेंगे क्योंकि शून्य अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता है, कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो फिर वो डालने का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं शून्य का कैसे क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। शून्य शून्य में आपको ब्रोकरेज एकदम जीरो लगेगा, ठीक है दोस्तों। ब्रोकरेज एकदम जीरो, यहाँ पे पूरा चार्जेस हम लोग देख लेते हैं। कोई चार्जेस किसी भी प्रकार का नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाय सेल नथ कुछ भी कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अकाउंट ओपनिंग जीरो है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग जीरो है, ओके। और एम एस स्टॉक पे अकाउंट ओपनिंग आपका वेरी करेगा, 150 रुपये से लेके 2500 रुपये तक। लेकिन आपको 2500 वाला ही अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा अगर आप जीरो ब्रोकरेज के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। ओबियसली तो यहाँ 150 वाला ओपन कराने कोई मतलब है नहीं कि इसमें 20 रुपये ब्रोकरेज यहाँ पे लगेगा। प्लेटफॉर्म का भी बात करेंगे किसका प्लेटफॉर्म बेटर है, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और अकाउंट मेंटेनेंस शून्य में जीरो लगता है। कॉल ट्रेड करवाएंगे जीरो लगेगा। डीपी चार्जेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डीपी चार्जेस यहाँ पे शून्य में 9 रुपये प्लस GST लग जाता है। और अकाउंट ओपनिंग भी जीरो है। अब देखो मैं एम एस स्टॉक में जाऊँगा तो वहाँ पे इन्होंने क्या चार्ज लगा रखा है, यहाँ पे देखो डीपी चार्जेस यहाँ पे देखो, ठीक है। सबसे लोएस्ट लिख रखा है, बट लोएस्ट है नहीं, 12 रुपये प्लस GST लग रहा है, ठीक है। तो और अकाउंट ओपनिंग का भी 2500 रुपये ले रहा है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लोगों से 2500 रुपये ले रहा है। लोग को पता ही नहीं है सुनने के ब्रोकर के बारे में, मगर हम भी जब अकाउंट खुला रहे थे ना दोस्तों, हमने एम एस स्टॉक को पता चला, एम एस स्टॉक जीरो ब्रोकर थे, हमने अकाउंट खुला ट्राई किया और मेरे को सीरियसली सुनने के बारे में नहीं पता, सुनने के बारे में बाद में पता चला। फिर एम एस स्टॉक से हमने सुनने में ऐसे ट्राई किया तो सुनने में ट्रेड करना बहुत लंबे समय तक ट्रेड किया, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं। हाँ, प्लेस एंड प्लेस करते तो 20 रुपये चार्जेस लग जाता है शून्य पे। और शून्य पे ये भी है, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड स्टॉक वगैरह है तो उसको प्लेस करके और उसके ऊपर मार्जिन वगैरह लेके आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ट्रेड वगैरह जो भी करते हो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एम एस स्टॉक पे आते तो यहाँ पे आप स्टॉक को प्लेस नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बाय वगैरह नहीं कर सकते, मतलब उस मार्जिन प्लेस ही नहीं होगा तो मार्जिन आपको मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे प्लेस किस प्रकार से होता है, हमें प्लेस होता है कौन सा प्लेस होता है ये बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पे
स्टॉक पे हम लोग लीवरेज लेके रहते हैं, मेरे को स्टॉक पे लीवरेज नहीं चाहिए। अगर हाँ जिसको चाहिए तो जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं वो 8% के आसपास लोएस्ट रेट पे लोग देता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, ये मेरे को सही नहीं लगता। बाकी जिसको सही लगता है अकाउंट ओपन कराए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं बस ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, मतलब हाँ एम एस स्टॉक के अलावा भी एक ब्रोकर है जो कि सुनने में मतलब जीरो ब्रोकरेज दे रहा है, वो ब्रोकर का नाम सुनना है। ठीक है, अगर आप एम एस स्टॉक में 2500 रुपये पहले डाल के बर्बाद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक बार सुनने में जाके ट्राई करें, बस मेरा ये कहना है। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, कहीं भी ट्राई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर FNO में ट्रेड करते हैं सपोज एट ऑक्शंस में, क्योंकि मेजरली लोग आजकल ऑक्शन में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं जो नए रिटेलर आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज में पैसा जाता है और पैसा भी डूबता है, सब कुछ होता है। तो चलो ठीक है, पैसा डूबने वाली बात वो अलग चीज़ है। अब मेजर हम लोग ब्रोकरेज को देख सकते हैं, सपोज एट हमने निफ्टी का कोई ऑप्शन 50 में बाय किया और यहाँ पे हमने लगभग 50 पे बेच दिया, हमको लगा चलो ठीक है बाय करते हैं, बट किसी कारण बस हमको लगा कि मेरा डिसीजन चेंज हो गया, आप जितना भी खरीदा उतने भी बेचने के लिए लगा दिया। ठीक है, NSE पे एक लॉट बाय किया, अभी देखते हैं कितने चार्जेस लगा, यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट आता है ट्रेड का कॉस्ट, वो मेरे को 4 रुपये का यहाँ पे लॉस लग जाएगा, 4 रुपये 40 पैसा का लॉस लग जाएगा। ठीक है ओके, अगर मैं जीरोधा, जीरोधा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं जीरोधा यूज करता जीरोधा, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, FNO ऑक्शन में देखो हमने 50 रुपये बाय किया, 50 रुपये बेचा, एक क्वांटिटी था, और यहाँ पे देखो मेरे को 51 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस लगता है। तो देख सकते हो अगर मैं 1 रुपये प्रॉफिट भी लेता, 1 रुपये प्रॉफिट भी ले लेता ना यहाँ पे, 50 रुपये बाय किया, 51 पे बेचा, तो भी मेरे को यहाँ पे 1 रुपये के आसपास यहाँ पे लॉस ही लगता, देख रहे हैं, तो भी हमको लॉस ही लग रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है चलिए, अगर मैं यहाँ पे शून्य पे रहता, शून्य पे अगर मैं 50 पे खरीदा, 51 पे बेचा, एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में रहता। यहाँ पे देखिए एटलीस्ट यहाँ पे आई थिंक अपडेट, हाँ अपडेट हुआ, अपडेट यहाँ पे हो गया, एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में रहता। ठीक है, टोटल ट्रेड कॉस्ट अपना 4.5 रुपये के आसपास पड़ता, तो 4.5 रुपये उधर 45 रुपये मेरे को एटलीस्ट प्रॉफिट रहता। ठीक है, अगर मैं सुनने ब्रोकर यूज़ करता। अब बाकी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एम स्टॉक है इसका प्लेटफॉर्म और शून्य का प्लेटफॉर्म, ठीक है, दोनों का प्लेटफॉर्म अगर आप चार्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पूरा घटिया है, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। ठीक है, शून्य का भी प्लेटफॉर्म चार्टिंग के लिए पूरा बेकार है, मोबाइल ऐप भी बेकार है और वेब पोर्टल भी बेकार है। ठीक है, और एम स्टॉक का भी वही हाल है। ठीक है ओके, आप चार्टिंग के लिए कहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा, चार्टिंग के लिए आपको जीरोधा के पास जाना ही पड़ेगा, जीरोधा आप स्टॉक ट्रेडिंग व्यू जो भी ब्रोकर है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर केवल पंचिंग करना है, तो फिर आप यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर पंचिंग करने के लिए। और एम स्टॉक से स्लाइटली बेटर प्लेटफॉर्म मैं बोलूँगा शून्य, अगर शून्य में 5000 रुपये चार्जेस भी लगता है अकाउंट ओपनिंग का और एम स्टॉक में 2500 रुपये, तो मैं रिटेल ट्रेडर को या फिर किसी को भी मैं बोलता शून्य में अकाउंट ओपन कराओ, शून्य में 5000 भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इंटरफेस चार्जेस और मतलब प्लेटफॉर्म्स एम स्टॉक से बेटर है। ठीक है, एम स्टॉक मतलब 2500 रुपये मतलब रिटेल ट्रेडर से ठग रहा है, सिंपली मैं यही बोलूँगा, और सब लोग यूट्यूब पे एम स्टॉक के बारे में वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं, सुनने के बारे में कोई नहीं बना रहा है। तो यही बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा, अगर आप जीरो ब्रोकरेज के लिए ट्राई करना चाहते हो सुनने ट्राई करो, ब्रोकरेज ट्रस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार अकाउंट ओपन कराओ, उसमें 100 रुपये डालो, उसी से ट्रेड करके देखो, बस यही। और हाँ, इसका लिंक आपको सुनने का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से अगर आप अकाउंट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो मेरे को 50 रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ पहले, अगर आप 5000 रुपये डाल के उसमें ट्रेड पंच करेंगे तो मेरे को 50 रुपये मिलेगा, आपको 25 रुपये मिलेगा अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से करेंगे तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का भी लिंक मिलेगा, और वहाँ से करेंगे तो आपको आई थिंक 300 रुपये या फिर 150 रुपये रिफंड यहाँ पे आई थिंक आ जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ लगभग इसका भी लिंक मिलेगा, अगर जो एम एस स्टॉक का करना चाहे एम एस स्टॉक का कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जीरोधा पे स्टॉक तो मिल ही जाएगा, बाकी आपका मर्जी, डिस्क्रिप्शन से करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ से करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना 2500 रुपये कीमती रुपये एम एस स्टॉक के पीछे बर्बाद ना करें, पहले जाएं सुनने को एक बार ट्राई करें, सुनने कैसा लगता है, सुनने का प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं है, उसके बाद एम स्टॉक के बारे में सोचें। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि भाई 2500 रुपये का वैल्यू है, ऐसे ही मतलब 2500 रुपये लोग में ट्रेड कर लेते हैं, रिटेल लोग 2500 रुपये में ट्रेड कर लेते हैं एक्सपायरी देख के दिन निफ्टी में। तो सुनने में 2500 रुपये उससे जैसे सुनने में बचत कर लो, नहीं समझ रहे हो। बाकी आपका मर्जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ इसका प्लेटफॉर्म का रिव्यू बोलेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा, ऑर्डर वगैरह कैसे पंच होता है, प्लेटफॉर्म कैसे दिखता है, अकाउंट है अपने पास, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं डालूंगा, सिंपल सी बात है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, ओके एंड बाय।